तो मित्रों अभी चल रहे हैं हम लोग संडे मार्केट, 2 बजे तक खुली रहती है सुबह 6 बजे से। देखते हैं ब्लैक टाउन संडे मार्केट। यस, तो देखें बंधुओं हम लोग आ गए हैं ये संडे मार्केट के पास। अंदर भी पार्किंग्स हैं लेकिन रोड साइड में काफ़ी दूर से ही पार्किंग दिखने लग गई थी। इसका मतलब ये काफ़ी पॉपुलर मार्केट होगी भाई, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये है मार्केट, दिख रही होगी आपको, ये तो यहाँ से एंट्री है। $1 पर पर्सन एंट्री फीस है इसकी, ओनली फॉर अडल्ट। ये चाबियां बनाने की देखिए है शॉप, है ना। ये यहाँ पे प्याज वगैरह है, ये देखिए प्याज है, वाइट प्याज है और लहसुन है। ये बहुत जबरदस्त है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये इंटरकॉम फोन है। दो लेना पड़ेगा। आधा किलो लहसुन है, $2.5 की है। 4.5 किलो की शकरकंद जो है तो $4.5 की है। सो ये लोग देखिए यहाँ पर किसान लोग क्या करते हैं कि अपनी खुद की गाड़ी लाए हैं, ये देखिए, और ये इन्होंने बगल में अपना लगाया है शॉप। तो ये इस तरह से ट्रक लाए हुए हैं, ये देखिए पीछे, और वहाँ सामान लाए और ये यहाँ पर अपने इन्होंने शॉप लगाई हुई है। और ये प्लम्बिंग का सामान, ये डोनट्स हैं, $10 का बॉक्स है और 250 ईच। क्या लेना है इंचिका? चलो देखने। 165 रुपए का बुड्ढी का बाल, ये बनाने की मशीन है वैसे इनके पास में। ये इसमें देखो बन रहा है, इधर ये लो हाथ में। ये क्या है भाई? गोसलिम मैक्सिकन। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे मैक्सिकन फूड। तो ये इसमें काफी लोग मिल के काम कर रहे हैं, चिप्स वगैरह भी हैं इनके पास में काफी कुछ है। हाँ तो ले सकती हो ये वैसे ज्यादा अच्छी हैं पाणी जी, पर मैं पिंक लूं। ये बॉयज की है ना? हाँ वो बॉयज की भाई। नहीं नहीं, और इनके पास में कुछ स्लीपर टाइप के घर के चप्पल वप्पल वैसे हैं सब, डिओड्रेंट्स टाइप का कुछ लग रहा है स्टॉक। ले लिया? हाँ, कितने की? $5। और यहाँ पे $1 का क्या है भाई? नहीं नहीं पाणी, ये बगल में तुम्हारे क्या है? ये देखिए मित्रों, ये डैशबोर्ड के ऊपर जो कार में कैमरा लगाते हैं ये वो है, और इसकी कीमत सिर्फ $1 है। अच्छा ले लो, कितने की है? ओए होए, ये देखें मित्रों, इसमें बैटरी पड़ती है और सिर्फ $1 की। आई एम सरप्राइज। ये देखें, ये एक चार्जर भी ले लेते हैं भाई आईफोन का, गाड़ी के लिए। ये दो ले लो चार्जर हैं, एक ऑफिस के लिए, एक कार के लिए। एक कैमरा, देखते हैं इसको कैसे क्या चलाना है भाई। सब आइटम इनके पास में $1 का है। ये भी डाल लो। हाँ $20 का हाई पावर हेड लैम्प है। अच्छा तो ये इस टेबल पे जो कुछ भी है वो सब $20 का है, और इस टेबल पर जो कुछ भी है वो सब $5 का है। पानी निकालते हैं मोटर से, तो ये मोटर्स हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे आप लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर हैं शूज, $95 के ये वाले शूज हैं, 5,000 के आसपास के। ये देखें कितने का दे रहा है कराया। हाँ ये इनके पास कपड़े वगैरह भी हैं। अच्छा मोबाइल के कवर्स वगैरह हैं, और कार में जो लगाते हैं स्टैंड वगैरह हैं। देखिए जो पिछले साल बहुत फेमस हुआ था ऑस्ट्रेलिया टॉयलेट पेपर्स के लिए, तो वो भी हैं यहाँ पे। और ये कप्स वगैरह हैं कॉफ़ी चाय वाले, और स्ट्रॉ हैं, और ये क्या है पता नहीं इनका भाई। मास्क का डब्बा लेना है क्या? बिल्कुल, देखिए अपने देसी स्टाइल में, जैसे हमारे यहाँ बाजारों में ऐसे ज़मीन पर लगाते हैं मार्केट, तो वैसे यहाँ इन्होंने ज़मीन पे भी लगाया है। अच्छा ये प्लम्बिंग से रिलेटेड है, प्राइस वगैरह तो अब चूँकि हर आइटम का अपना एक अलग प्राइस होगा, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं जो स्टेनलेस स्टील वगैरह का वो सारा आइटम है। और ये देखिए अपनी वैन में सामान रखते हैं, मतलब सामान क्या इनकी पूरी दुकान है। अरे $5 का दिखाऊं? ये देखिए मास्क जो है
तो ये इनके पास में रखा हुआ है, वैसे ही लग रहा है। और ये तो टूल्स हैं, ये रग्स हैं $80 का, और मछली पकड़ने के लिए। और ये इस तरह का सारा पाने जी, कुछ प्लेट्स वगैरह भी ले रही हैं। थैंक यू। अच्छा डोर मैट्स वगैरह भी हैं इनके पास में। $2 फॉर सिक्स, ये $3, $4, वाओ नाइस, गुड प्राइस। तो ये $1 का, ये $4-5 का, $1 का दिया, दस है। और अच्छी है क्वालिटी। ये कुछ सर्दियों के कपड़े वगैरह भी हैं, और ये कुछ प्लांट्स हैं, और ये बर्तन है। गांव में बिल्कुल मार्केट लगती वैसे ही लगी हुई है, क्योंकि साफ सफाई है, मैनेज्ड है अच्छे से, लोग अपनी गाड़ी वाड़ी से आते हैं। यहाँ पे साइकिल वगैरह है, और ये मशीन है मेरे ख्याल से घास वास काटने के लिए। हालांकि इनके पास बहुत पुरानी और अच्छी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर देखिए, इनके पास भी कुछ है, लॉलीज वगैरह हैं लगता है। अंशिका हाँ ब्यूटीफुल, तो ये यहाँ पर लॉलीज वगैरह बना सकते हैं। ये फ्लावर्स हैं $15। हेलो, आप तो इंडिया की लग रही हैं। अच्छा तेलंगाना से। Wow. It's a lollipop plus whistle. Yeah, it's a lollipop plus whistle. Okay, तो बजाओ। ये मार्केट में आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ी मार्केट है। ये मार्केट तो बहुत जबरदस्त है, बहुत सारी शॉप्स हैं। उस तरफ भी पूरी लाइन है। ये यहाँ पे हैं ब्लोवर्स, वो ट्रिमिंग वाला है, घास को साइड से जो काटते हैं। और ये है स्टेयरिंग कवर, कार के कवर हैं, सीट्स कवर। ये यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी हैं। ये देखो अंशिका इधर, ये इधर देखो बैठे हैं गोरे गोरी। इधर आसपास के लोग हैं जो वहाँ से आके और यहाँ शॉप्स लगाते हैं। यहाँ पर इनके पास देखिए कुछ बुक्स हैं, सीडी वीडी भी हैं, ये सब घरेलू सामान है। और कुछ इनके पास में देखिए सीनरीज हैं, जंगल में मंगल है मार्केट। ये इधर कपड़े वगैरह क्या बेच रहे हैं, $3, $3 के ये हैं कवर्स मोबाइल्स के। शो मी, $3 for $10। अच्छा अच्छा इनके पास में ब्लूटूथ स्पीकर्स भी हैं, $25 का है। क्या है, आप क्या बेच रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, रक्षाबंधन के। किराया वगैरह कितना रहता है इस मार्केट का आप लोगों का? $75। ये यहाँ पे हैं क्लोथ्स एंड शूज। तो ये हैं फिर से वही गार्डनिंग वार्डनिंग के छोटे छोटे पौधे हैं, $10 का है। और ये कितना, $5? अच्छा $1। अच्छा इनके यहाँ पर भी देख, सब जो कुछ भी बिक रहा है वो सब $1 में है। क्या खरीदा? ये देखो डायरी, बस डायरी। वाह, थैंक यू। ये हैं देखिए काम करने वाले ट्रेडीज के लिए बूट्स होते हैं, आगे स्टील होता है। तो इंडियंस लोगों ने भी यहाँ पे शॉप्स लगाई हुई हैं। ये है मार्केट, 5% या 10% भी नहीं घुमा पाए, मार्केट बहुत बड़ी है। इस तरह यू पुट द बर्थ सर्टिफिकेट, क्रिसनिंग सर्टिफिकेट इन देयर। या क्या करेंगे, देखो बाजार में आकर के थोड़ी बहुत खरीदारी करना वो एक अलग ही बात है, और मॉल्स में और वैसे शॉपिंग सेंटर्स में जा करके शॉपिंग करना वो अलग बात होती है। यहाँ का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सामान वो दिखेगा जो बहुत अंग्रेजों का अपना एक ट्रेडिशनल, वैसा सब कुछ मिलेगा आपको। $1 and these are $1. तो ये $1 की $4. हाँ ये हाँ, तो ये इनके खुद के घर की बनाई हुई कैंडल्स हैं। वाह, तो इसमें खुशबू वाली ये कैंडल्स। और ये यहाँ पे ये जो कपड़े हैं कामगार लोगों के हैं, ये जो ट्रेडीज वगैरह होते हैं
उनके कपड़े हैं। ये देखिए बच्चे लोग अपना सब लाए हैं, बेच रहे हैं, दुकान लगी है, जो बिक गया सो बिक गया। यहाँ हथौड़े वगैरह, आरी वगैरह, वैसे सब चीजें हैं। इस तरफ वॉशिंग से संबंधित चीजें हैं, ये सब। हाँ, ये बहुत महंगा बेच रही हैं। हमारी पंडिताइन से इतना पैसा कोई ले नहीं सकता। वो पैसों के मामले में हम ही जब आकर के आगे उछल कूद करें तो चाहे निकल जाएं, नहीं हमारी माड़े जी जो हैं इस मामले में ठीक ठाक हैं, होना भी चाहिए। अगर सेविंग औरतें नहीं करेंगी घर के अंदर तो जनरली आदमियों को तो उतनी अक्ल होती नहीं है। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई, मैं सभी आदमियों की बात नहीं कर रहा, सेविंग का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पता है कि करना चाहिए। 12 पेयर्स हैं $10 के, मतलब 12 जोड़ी मोजे हैं $10 के, 550 में 12 जोड़ी मोजे हैं। यस, यहाँ बैंडेड तो ले लो, $5 की 3 बैंडेड, यहाँ पर $1 ईच की, ये भी लो, ये अच्छा है थोड़ा सा अंशिका के पढ़ने के लिए, ये $1 की है एक बुक। थैंक यू भाई। ये मार्केट तो मैं कहूँगा अगर आप सिडनी में हैं तो आप ज़रूर आइए, ब्लैक टाउन में पड़ती है। वैसे हमें तो अच्छी लगी कि कई ज़रूरत की सामान यहाँ पर आप ले सकते हैं, केवल बहुत फैंसी और दिखावे वाली मार्केट नहीं है, इस मार्केट में आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती हैं। मज़ा आ गया ये बिल्कुल, आप देखिए, ये देखिए, ये इनके यहाँ पर खाने पीने के आइटम्स हैं, देखिए कुछ $5 के हैं। $5 का है। और यहाँ पे भी सब टूल्स वगैरह ज्यादा हैं। तो इस तरफ नेचुरल प्लांटेशन की भी शॉप्स हैं। अरे हाँ, प्लांट्स, काफी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, हाँ, फ्लावर्स यहाँ पर भी तो बेच रहे हैं। देखो ये कहीं कोल्ड ड्रिंक मिल रहा, नहीं शुगर बढ़ जाएगी। अपने यहाँ देखो बाजार वगैरह जाओ तो नारियल पानी मिल जाता है जिसमें शुगर का डर नहीं होता, यहाँ नारियल पानी उतना वैसे नहीं मिलता। ये आइसक्रीम बाउल्स है ना, हाँ अच्छे लग रहे हैं ट्रे के साथ। ये देखो किस तरह से क्लीनिंग होती है यहाँ पर, ये काउंसिल के ही लोग हैं और एक एक जो भी कुछ गिरा होगा उसको समेट रहे हैं। यहाँ पे अच्छा है ये फूड एरिया जैपनीज। ये वाली लेन जो है मैक्सिमम पूरी खाने पीने की है, कई अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये स्टॉल्स खाने पीने के। थैंक यू। अभी पी सकते हैं, इतना स्वीट नहीं है, नेचुरल फ्लेवर सोडा है, ले सकते हैं। ये हैं सब पुराने कॉइन्स। गौतम बुद्ध यहाँ पर बैठे हैं। कहते अंग्रेज लोग गैराज सेल लगाते हैं, अपने घर के ही गैराज में सारा सामान जो ऐसे दुकान जैसे सजा लेते हैं और वो सैटरडे को लगता है गैराज सेल, तो कई बार वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए ये मेरे पीछे, यहाँ पर भी काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बस यही है कि ज़रूरत की होनी चाहिए। और ये भाई मार्केट में आने का फ़ायदा है, वर्थ है कि यहाँ आप आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर खरीदेंगे। देखिए ये है आइसक्रीम। तो मित्रों बताइएगा कि कैसे लगी आपको संडे मार्केट सिडनी ऑस्ट्रेलिया की। बहुत ही अच्छी लगी, ये कोई हाई पॉश ऐसी मार्केट नहीं है, सिंपल है। जैसे जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो आ जाते हैं, या जो सिंपल हाउस होल्ड वाले हैं कुछ यहाँ वहाँ बेचते रहते हैं वो यहाँ पे अपनी मार्केट लगा लेते हैं। सो इट वॉज गुड ओवरऑल। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग। कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।